अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीब खालिद। अभी मैं जा रहा हूँ कटासराज और उसके बाद जो सॉल्ट माइन है, पाकिस्तान की वर्ल्ड की सबसे सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है। अभी वीडियो में आगे चल के वो देखेंगे। तो अभी बस निकलने लगे हैं, सुबह के इस टाइम कोई 7 बज गए हैं। बस अभी जाते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और साथ मेरी उनसे सबसे गुजारिश है और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और ये मुनीब भाई हैं और ये नुमान भाई हैं। तो आज हम, जैसे कि आपको पहले मुनीब भाई ने बताया था कि हम खेवड़ा माइंस जा रहे हैं, और अभी हम रास्ते में अभी थोड़ा स्टे किया नाश्ता वगैरह करने के लिए, थोड़ा सा रास्ता रह गया तो आगे इन्जॉय करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि अभी आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हम खेवड़ा माइंस जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है वहाँ पे, और कटासराज जो कि एक वहाँ पे एक टेम्पल हैं वो भी अभी आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में चल के। और ये मेरे साथ हैं उस्मान भाई, ये भी पहले यूट्यूबर थे, ब्लॉगिंग करते थे, तो मैंने इनको कहा कि आप अभी वीडियो स्टार्ट करो। हाँ। ये इसी तरह वीडियो लगाऊंगा, एडिट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो अभी साथ मेरे दूसरी तरफ हैं ये नुमान भाई, इनको भी मैं आपसे मिलवाता हूँ। इनके साथ अभी मेरी पहली मुलाकात है दोनों भाइयों के साथ, और बहुत ही अच्छी मुलाकात हमारी चल रही है। और ये जो है नुमान भाई, ये एक फाइटर है। नुमान भाई, आप कुछ बताएं अपने बारे में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर हूँ, कराटे करता हूँ मैं, मार्शल आर्ट करता हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी, तो आज जा रहे हैं हम, बहुत मजा आ रहा है, सुबह सुबह उठे हम। अच्छा, ठंड लग रही थी। तो वहाँ पे जाके कोई अपने वो कुंग फू स्टेप्स वगैरह करेंगे, व्यूअर्स को एंटरटेन करेंगे ना फिर आप। हमारा जो टाइम था ना वो सुबह 6 बजे का था, हमें बताया गया था कि 6 बजे हमने पहुँचना है, लेकिन सारों के आते आते और तकरीबन हमें वहां से निकलते निकलते 7:30-8 के तकरीबन हमें हो गए थे वहां से। हाँ। और अभी हम रास्ते में हैं, बहुत से जो हमारे साथ हैं उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता करके नहीं आए थे। वैसे लिटरली मैंने भी नहीं किया हुआ, लेकिन हम वहां पे पहुंच के एक ही दफा करेंगे। हाँ, तो बाकी अभी जैसे कि आप बैक साइड पे देख रहे हैं, अभी हम इसलिए कि वहाँ पे सारे नाश्ता कर रहे हैं, बाकियों से जो आपकी मुलाकात है वो वहाँ पहुँच के करवाएंगे। तो अभी मैं हूँ और मेरे साथ मैं और हम पार्टी करने जा रहे हैं। ये भी हम मोटरवे पे देख सकते हैं, जैसे आप सारा व्यू पीछे। तो अभी हम सब नाश्ता कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ के बहुत क्रम, इमरान खान ने तो हमें बहुत ज्यादा रुला लिया, बोला इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा इनको तकलीफ। तो उसने वैसे में वो कब्र में है, सुकून सिर्फ कब्र में, तो पहुंचाई काफी तकलीफ। लेकिन उसने हमें दुनिया में भी ना बड़ा रुसवा सा कर दिया, कोई करोड़पति बंदा लक पे आ गया। तो बस गाइस, अभी हम नाश्ता करेंगे फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। नाश्ता हम नहीं करेंगे, नाश्ता वो कर रहे हैं, हम नहीं करूंगा। मैं ऑर्डर दे के हूँ नाश्ते का, मैंने कहा भाई के साथ कर ले पहले। उन्होंने मुझे बताया था, मैं पहले यूट्यूब व्लॉगिंग करता था, तो मैंने कहा यार आपने अभी बनाओ वीडियो शूट करो, तो चेक करते हैं हम कैसी वीडियो शूट करते थे आप। तो बताइएगा कमेंट्स में भाई की आपको होस्टिंग कैसी लगी है। हाँ, आगे जाके भी भाई को मैं कहूंगा होस्टिंग करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अब मैं वापस से आऊंगा अपने इस वाले प्रोफेशन में, पहले छोड़ देते यूट्यूब, मोटरवे पे आऊंगा, वापस इधर आऊंगा, वापस केवड़ा माइंस जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को एंटरटेन करने का बहुत मौका मिलेगा, डबल हमारा गैंग बनेगा इंशाल्लाह, कोलैब करेंगे हम भाई के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत आगे चलेंगे। गर्मी हो गई है काफी, गर्मी काफी हो गई है, वही मुझे पसीना भी थोड़ा थोड़ा माथे पे आया है। मैंने भी वो बड़ा वाला कोट सा लंबा सा पहना हुआ था, उतार के अभी छोटी वाली जैकेट पहन ली। सो मिलते हैं राज फिर। ओके, मूड बना।
रोड भी सही है, सीधा जाओ, अगर एक मोड़ आ जाएगा इधर गिरा ना, पास नहीं मोड़ना, सीधा रोड पर जाओ, पीछे गड़ी है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जी लेने दो, जी लेने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 मैं तेरा हीरो, सुनो सारा अमीरो, बंदा मेरा बुद्धा, मैं फ्रेंड सब दा, देखे दुनिया के कोने, बस हम दोनों ही सोने, कुड़ियों में अपने चर्चे, करती है अपने खर्चे, लाइफ में ऐसा बोया, मैं चार पे जाके सोया, सूरज से मैंने बोला, के बोला बोला सुबह होने ना दे। व्यूअर्स, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, अभी हमने टिकट ली है सॉल्ट माइन में खेड़ा, और अभी हम जा रहे हैं अंदर। रास्ते में हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा रास्ता गुजरा। हमारी किया भाई, हमारी तबीयत खराब हुई थी, ये ऑपरेटर साहब है, इन्होंने कोई रोकी नहीं गाड़ी वाड़ी, बहुत एंजॉय किया। मैंने बहुत एंजॉय किया, जैसे आपने देखा कि गाने खाने जा रहे थे, मैं भी था, लेकिन बाद हमारे साथ ट्रिप पे नहीं जाने दिया, लाइक हमारी तो बड़ी तबियत, लेकिन अब यहाँ पे आके देखते हैं, अभी तक तो गर्मी लग रही है, सर्दी के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एक बात ये है, हमने अपने स्वेटर और जैकेटें सारा कुछ उतार के गाड़ी में रख दिया, क्योंकि मैंने जैकेट में वीडियो बनानी है, ये क्योंकि अभी छोटा है, अभी 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए इसको ठंड लग रही है। और मैं 13 साल का, ये 13 साल का। नुमान भी आप कितने साल के हो? कितने का? 45 का, क्या बात है। मैंने तो अभी यहाँ से वापसी टाइम मैंने नादरा के ऑफिस जाना है अपना आईडी कार्ड उठाने के लिए, मैं तो 18 का हूँ अभी, ठीक होगा। ऊंट आया, वो देखिए व्यूअर्स किधर गया, वो देखिए, हमने कभी ऊंट नहीं देखा, आज हमने पहली दफा लाइफ में आज ऊंट देखा। और रुमान भी आप कुछ कहना चाहेंगे? रिक्शा आ गया व्यूअर्स, इधर अभी अंदर जाएंगे, देखते क्या बड़ा सुना इसके बारे में, कि या जैसे नमक हमारा बड़ा आगे पीछे जाता है, आगे पीछे आगे पीछे पड़ोसी ये बोला क्या भारत उधर जाता है, तो फिर क्या कहते हैं, फिर कैसा मयार है नमक का, और हमने खाना भी है, खाना भी हाँ खाएंगे ना, अपनी वो नमकियात पूरी करेंगे।
जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया यहाँ पे इसके टोटल 17 लेवल 5 लेवल जो अबव है, ऊपर से बारिश का पानी आता है। बेटा यहाँ पे वो पानी ड्यू टू टेम्परेचर कुदरती तौर पे फ्रीज हो रहा है, वन बाय वन ब्लास्ट फ्रीज होने से यहाँ पे कुदरती तौर पे क्रिएट हुए हैं, इनको कहा जाता है स्टैलेक्टाइट। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो ये सर प्योरली सोडियम क्लोराइड है, आप इसको टेस्ट करेंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा स्टैलेक्टाइट भी और फ्रेश ड्राफ्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो स्टूडेंट इसको टेस्ट करते हैं इंशाल्लाह किसी भी पेपर या एग्जाम में फेल नहीं होते हैं, तमाम बच्चों से टेस्ट करवा। सर आपके सामने ये हमारी नमक की खूबसूरत मस्जिद है जिसको बने करीबन 54 ईयर हो गया है और ये पूरे वर्ल्ड में वाहिद खूबसूरत मस्जिद है जिसको नमक से बनाया गया है, जिसको नाम दे रखा है जी मजदूरों की शाही लेबर बने हुए 54। सर पार्क के टॉप से बारिश का पानी आ रहा है ड्यू टू वेदर यहाँ पे वो फ्री। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो ये प्योरली सोडियम क्लोराइड मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, फ्रेश ड्रॉप भी और स्टैलेक्टाइट भी आपको बगैर किसी मिलावट स्टैलेक्टाइट तोड़ के प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको टेस्ट करेंगे बगैर किसी मिलावट के सोडियम क्लोराइड। आज करेंगे सर टेस्ट करें नुमान भी कुछ बताएं इसके बारे में। ओहो हो ये तो वो जैसे हमारे घर का नमक है वही इसका जायका है। सर आपके सामने ये हमारा नमक का पाकिस्तान टावर, इसको पहले ईयर हो गया है, कुदरती ब्लॉक्स के साथ इसको क्रिएट किया गया है, इसको जोड़ा जाता है सर वाइट सीमेंट और जिप्सम के साथ, इसको बने हुए 12 साल हमारे वर्कर ने इसको क्रिएट किया है विद प्योरली ब्लॉक्स ऑफ साल्ट। ये दूसरा मीनार पाकिस्तान जो पहला है वो लाहौर के अंदर बनाया गया सर नमक का, ये वो पत्थर का मीनार है पाकिस्तान। तीसरा हमारा माइन का सबसे छोटा तालाब, इसकी डेप्थ काउंट की है करीबन 1 मीटर, इसकी आप गहराई को देख भी सकते हैं। ये कहलाता है हमारा फवारा चौक द फाउंटेन पॉइंट, आर्टिफिशियल फ्लावर और मल्टी शेड में लाइट्स को लगा के इसको रेनोवेट किया गया है, इसको नाम दे रखे है जी फवारा चौक का। रावलपिंडी लाहौर फैसलाबाद और कराची में अवेलेबल है जी फवारा चौक, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। आपके सामने ये हमारा वेंटिलेशन होल, टॉप को ही ओपन है सर, आप दो व्यूअर्स को दिखाएंगे करीबन 1100 फीट, आपको बाहर से फ्रेश एयर आ रही है, माइन के अंदर आपको यहाँ पे कोई सफोकेशन नहीं हो रही और इन्हीं की वजह से माइन का जो टेम्परेचर है सर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दी गर्मी में ये सेम रहता है। सर्दियों में माइन गर्म होती है सर और गर्मियों में इसका वेदर जो है वो ठंडा होता है। कॉन्स्टेंट वेंटिलेशन सिस्टम, मैं आपके लिए पंप को ऑन कर रहा हूँ और आप देखेंगे बारिश का पानी माइन के अंदर कैसे आता है। और बिलावल जरदारी का फरमान है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। सर यहाँ पे आपके सामने हमारी नमक एक छोटी सी केव है, इसको आरा कटर मशीन के साथ कट किया गया है मुगलिया पीरियड में और ये पॉइंट अभी हमारे प्यारे स्टूडेंट के लिए, इसको नाम दे रखे है नमक की खूबसूरत नथिया गली। तमाम बच्चे यहाँ से एंटर होते हैं, अयूबिया गली से बाहर आते हैं और मरी में जाके आपने देखी होगी सर बर्फबारी, यहाँ पे आपको नजर आ रही है नमक पारी। तमाम लोग ट्राई करेंगे नथिया गली से जाएंगे अयूबिया से बाहर। नमक बारी में आपका स्वागत है। तो ये जैसे कि आपने देखी नमक बारी, अब वापस आ गए हूँ।
इसके बारे में भी बताएं। सर अभी हम जिस ब्रिज पे खड़े हैं इसको माइन का हेवन ब्रिज कहा जाता है। ये ब्रिज दो टाइम स्पोर्ट है, आप आगे होकर हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे सर। ये नमक की थिकनेस है और विदाउट स्पोर्ट ब्रिज है सर, इसके नीचे कोई स्पोर्ट नहीं। इससे जो नेक्स्ट ब्रिज है सर वो भी हमारा विदाउट स्पोर्ट। जा सकते आप देख रहे हैं सर, ये भी हमारा वेंटिलेशन है जी, टैप को ओपन तकरीबन 700 फ्रेश एयर और ऑक्सीजन के लिए बनाया गया एक और वेंटिलेशन हो। सर यहाँ पे हम पहुंच गए जी माइन के दो खूबसूरत दीवारों के पास। आपके राइट साइड पे जो वॉल है सर इसको नाम दे रखा है ग्रेट चाइना वॉल। आप जो दीवार है इसको दीवार चीन, दीवार पाकिस्तान और दीवार मोहब्बत भी कहा जाता है। दोनों दीवारें सर बच्चों से टेस्ट करवा के COVID-19 से पहले जो टेस्ट करवाते थे और बच्चों से पूछा जाता था इनमें एक दीवार मिट्टी और एक नमकीन है। बच्चे टेस्ट करते थे, कुछ का आंसर आता था ये दीवार मिट्टी है, कुछ बच्चे आंसर करते थे वो मिट्टी है। लेकिन नमक सर जैसे कि आप जानते हैं कि नमक नमकीन होता है, मीठा नहीं होता है। ये दीवारें सर इसी तरह आप देख रहे हैं कितनी मुलायम प्लेन एंड कूल है। इनको इसी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से चटवा चटवा के मुलायम और प्लेन किए। सर एयर इज आवर लास्ट पॉइंट झील सैफल मलुक। इसकी लेंथ है सर 105 फीट और इसकी डेप्थ है तकरीबन 59 फीट। ये सारा पानी भी बारिश का, इसके साथ आपका वाशिंग सोडा तैयार होता है। यस सर, यहाँ पे आप देखेंगे नमक के कुदरती ब्लॉक से लिखा हुआ अल्लाह और उसमे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रॉप से लिखा हुआ अले लाम और यह अले लाम और यह आपके राइट पे इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइन को फॉलो करके सर में यह वाइट कलर में मीम और ये दाल। रिपीट करूँगा इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीम यह मीम और ये दाल। नमक में लिखा हुआ इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर यहाँ पर हमारा सर कंप्लीट हुआ। लेफ्ट साइड पे हमारा चांदनी चौक, लाइट चले जाए तो याद किया जाता जी अंधेरा चौक के नाम से और वहीं से इंशाल्लाह हमारी वापसी होगी। तमाम लोग आराम से बाहर निकल। जैसे कि मैंने आपको अर्ज की सर यहाँ पे हम अपने इख्तिताम पर पहुँचे जी, वीडियो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। अभी हम वापस पहुँच के हमारे चांदनी चौक पे, जिसको चांदनी चौक तो कहा जाता है लेकिन लाइट चले जाए तो कहा जाता है अंधेरा चौक। उम्मीद करते हैं सर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे और आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूवर्स जैसे कि अभी आपने सारी वीडियो देखी, अभी हम सॉल्ट माइन से बाहर आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा टूर जो अभी तक का सॉल्ट माइन का था बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। बहुत सी ऐसी बातें होंगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो जिसने आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा किया होगा। तो हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, रास्ता भी और यहाँ का सारा जो व्यू था, सारा जो विज़िट था हमें काफ़ी हमने इंजॉय किया। अभी तकरीबन दोपहर के 1-1.5 बजे का टाइम हो गया है और अभी हम जाएंगे लंच करेंगे और इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे कटास राज। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, मैं उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो उसकी भी मैं पहली दफ़ा ही उस जगह पे विज़िट करने लगूँ। इंशाल्लाह आज जाएंगे वहाँ पे और उसकी भी हिस्ट्री वहाँ पे हम आप तक पहुँचाएँगे, आपको वहाँ का व्यू दिखाएँगे। तो चलते हैं हम सारे, फिर मिलते हैं वहाँ पर इंशाल्लाह।